कुत्ते में देखने को मिलते हैं। पद चिन्ह एवं चरण चिन्ह आप कह सकते हो, काफी बड़े साइज के। तो यहाँ पर इस तरीके से पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक ने, जो भीम के पोते हैं, घटोत्कच के बेटे हैं, जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिनको हम हारे का सहारा कहते हैं, उनके दर्शन यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग के अंदर। और आज है संडे, तो मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, बट भाई और मम्मी जा रहे हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो। गाइस हम खाटू श्याम दिल्ली धाम आ गए हैं मम्मी और मैं। दिन थोड़ा सा गलत चूज़ कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, साथ ही कैब में थोड़ा लोचा हो गया था क्योंकि लोकेशन गलत पिक कर ली थी, तो पैसे थोड़े ज़्यादा लग गए, बट ठीक है बस से जा सकते हो। और बहुत दूर नहीं है, बुराड़ी से थोड़ा ही आगे, टोटल आई थिंक 20 से 25 किलोमीटर होगा बस। तो मम्मी और मैं फर्स्ट टाइम आए हैं, उसके बाद महेश्वर सिमरन को भी लेके आने का प्लान है या फिर सबके साथ। तो सिमरन का भी एग्ज़ाम है और महेश नहीं पाया, इसलिए ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, घर से नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि अभी तक सबने काफ़ी तारीफ करी है, बाकी भाई देखो मंदिर है तो इसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अच्छा लगता है कि आपके मतलब दिल्ली के अंदर अगर आप हो तो घूमने के लिए वीकेंड के अंदर आप मंदिर आ सकते हो। तो दिल्ली के आकर्षणों के अंदर मंदिर के जो एक पूरी लाइन है उसके अंदर, एक चेन के अंदर जो दिल्ली का खाटू श्याम दिल्ली धाम है वो भी ऐड हो चुका है। खुले हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट मुझे अब मौका मिला आने का, तो मैं मम्मी के साथ आया क्योंकि ऑफ ही नहीं मिलता है ऑफिस से। तो चलते हैं अंदर, बाकी रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए क्या जय बाबा की। तो एंट्री होते हैं देखने को मिलता है पद चिन्ह एवं चरण चिन्ह आप कह सकते हो, काफ़ी बड़े साइज के। चीज़ें बहुत अलग अलग बनाई है यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि एंटर करते हैं आपको काफ़ी बड़े साइज के पद चिन्ह मिलते हैं देखने को। और आई थिंक इतना बड़ा पैरों के मतलब इतने बड़े चिन्ह तो मैंने और तो कहीं नहीं देखे। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी थी आई थिंक नैनीताल के अंदर, वहाँ पे हनुमान जी के पैरों के निशान है, कुछ उसी तरीके का साइज़ था जो भी हमने देखा। और व्यवस्था बहुत सही है, धूप है इतनी, लेकिन यहाँ पर मतलब शेड बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि दर्शन करने वालों किसी को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। अब आगे देखते हैं, क्योंकि जब दर्शन करूँगा तो वहाँ शायद ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पर मैं तो बाबा के दर्शन करें अच्छे से देखें। काफ़ी देर चल के आए हैं लाइन में करके, थोड़ा सा मंदिर दिखने लगा मेन, तो संडे की वजह से भीड़ बहुत थी। अब चलते आगे दर्शन कराते हैं आप सभी को, मंदिर दिख रहा है। लोग मन्नत मांगते हैं तो उसे बांध देते हैं नारियल से, तो लोगों की मन्नतें मांगी हुई हैं बाबा शाम से, देख सकते हो। चलाते आ रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण जी और गरुड़ भगवान है सामने, इनके ठीक सामने वो रहे लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी है सामने, गरुड़ भगवान जी है वाहन।
गाइस हम ऑलमोस्ट मतलब मंदिर के पास ही आ गए हैं। अभी काफ़ी भीड़ थी तो टाइम लग गया ऑलमोस्ट एक घंटा एंट्री करने में। और मज़े वाली बात है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से रेप्लिकेट की गई, जैसे कि अगर लोगों को कहानी पता है खाटू श्याम जी की, बरबरी भगवान की, उनको किस तरीके से खाटू श्याम नाम दिया गया, तो जो उन्होंने अपना शीश का दान दिया था पूरी कहानी है। और वो पीपल का पेड़ जो उन्होंने तीर चलाया था श्री कृष्ण के कहने पे, और उन्होंने अपने पैर के पत्ता दबा लिया था, उसके लिए उन्होंने एक पीपल का पेड़ बनाया हुआ था सोने ऐसा। जय जय। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर वो पीपल का पेड़ बनाने की रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है, जैसा कि श्री कृष्ण ने जब बोला था बरबरीक से कि आप एक भी पत्ता नहीं बचना चाहिए मतलब पेड़ पे, तो वैसा बनाया गया है बहुत सुंदर, क्योंकि रियल वाला तब को खाटू में मिलेगा। तो ये श्री कृष्ण है और यहाँ पे उनके जस्ट बगल में बरबरीक जी का बनाया हुआ जिनको खाटू श्याम के नाम से आप जानते हैं सभी, जब उन्होंने अपने शीश का ध्यान दिया था वो वाला यहाँ पे दिखाया गया अच्छे से। देखा है ना कृष्ण भगवान है और ये बरबरीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम दिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से पीपल के पेड़ के नीचे बरबरीक ने जो भीम के पोते हैं घटोत्कच के बेटे हैं जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिनको हम हारे का सहारा कहते हैं, उनके दर्शन यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं, जिन्होंने एक बार कहने पर श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया था। बोलो बाबा श्याम की। वन कुंड है कितने है तो मुझे पता नहीं, सब कह रहा हूँ ऊपर लिखा हुआ है। वाओ भाई, हवन या यज्ञ का कार्यक्रम होगा तो ये यज्ञ पहले से बना रखे हैं, हवन कुंड बना रखे हैं। आपको भीड़ दिखाता हूँ कि भीड़ कितनी है। बोलो हरे के सहारे की, बाबा हमारे की, बोलो हाटू नरेश की। ये है संडे का क्राउड, बाकी 12 मार्च का जब लगा था फागुन मेला तो सोचो क्या क्राउड रहा होगा। जय हो जय हो जय हो राधे राधे। ओम नमः शिवाय जय। थैंक यू, ऐसे पकड़ लो यहाँ से, दीदी उठ जाएगा मैं ले जाऊंगा कसम से, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से बाहुबली छोड़ो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ो यहाँ से, यहाँ से उसको पकड़ना भाई। भाई देख सब्सक्राइबर मिला मेरे को मेरा।
क्या हो चले। दर्शन हो गए हैं, 12 गए, अभी प्रसाद खाया, अब चलते हैं सर, फोटो वोटो क्लिक करेंगे, दर्शन करना सेपरेटिव आइटम फोटो से। ट्रेन है यहाँ पे, चलो मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पे फन मतलब एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। कुछ एक्टिविटी दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि ऊँट पे राइड ले सकते हो या फिर इसके ऊपर राइड ले सकते हो अगर मन है तो, जिगरा है तो। मुझे तो ये रिस्क लेना नहीं है वैसे। और ये पूरा आई थिंक कथा वगैरह के लिए यहाँ पे स्पेस है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अरे राम मंदिर का भी नक्शा सा है, ये राम मंदिर है उसका नक्शा बना है यहाँ पे, मतलब हूबहू देखो हूबहू तो नहीं, बट हाँ रेप्लिका है जो अयोध्या मंदिर बन रहा है बाबा श्री राम का। अभी काम चल रहा है इसका, इनॉग्रेशन हो चुका है वो ये है। और सबसे बड़ा शिवलिंग भी है यहाँ पे, वाह। बाहर चलते हैं, मम्मी को देखते हैं, मम्मी कहाँ है, मम्मी हाँ आ जाओ, मैं दिख रहा हूँ देखो शिवलिंग है कितना बड़ा, देखो कथा का स्थान है, देखो शिवलिंग देखो। दर्शन हो गए हैं, हमने भी कचौड़ी खाई, मम्मी ने खाई अभी, कुल्फी खा ली है। कैसी है अम्मी? अच्छी है। हम बाहर जा रहे हैं, जूते चप्पल स्टैंड से अपने जूते लेंगे, फिर हम आएंगे घर, यहाँ से निकलेंगे बाहर। गाइस हम घर की तरफ आ गए हैं, अब मैं हम मम्मी और मैं आ रहे हैं, महेश वहीं से आ रहा है। आई होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।